प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम वैसे आपके सामने ही है, ये चेक कर रहे हैं आप कि ये ऑटो वर्क जो है ना वो हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी कीबोर्ड या माउस को टच नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन ये ऑटो वर्क कर रहा है खुद बहुत ही जो है ना। माउस का जो सर्कल है वो आगे पीछे हो रहा है, क्लिकिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो हमें फेस आ रहे हैं, तो ये इशू आ रहा है इसको कि ये ऑटो वर्क कर रहा है, ऑटो ही जो है ना चल रहा है, ऑटो चीज़ें इसकी डिलीट हो जाती हैं, ऑटो ही जो है ना ये चीज़ें इसकी ओपन हो रही हैं, ऑटो जो है ना सर्कल इसका जो है ना वो इधर उधर हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करेंगे आज कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर तो ये माउस का जो सर्कल है वो घूम रहा है, तो लग ऐसे रहा है कि माउस का जो पैड है ये वाला, ये पैड शार्ट है, तो लेकिन कई दफ़ा जो है ना वो ऑटो राइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे वजह ये होता है कि कीबोर्ड भी इसका शायद हो सकता है शार्ट हो। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, अल्लाह के फजल और उसके करम से आज फिर एक नई इन्फो के साथ मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। ये हवावे का लैपटॉप है, Y11C मॉडल नंबर है इसका। इसको प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्रॉब्लम वैसे आपके सामने ही है, ये चेक कर रहे हैं आप कि ये ऑटो वर्क जो है ना वो हो रहा है, इसके ऊपर कोई भी कीबोर्ड या माउस को टच नहीं कर रहे हम, लेकिन ये ऑटो वर्क कर रहा है खुद बहुत ही जो है ना। माउस का जो सर्कल है वो आगे पीछे हो रहा है, क्लिकिंग हो रही है, ठीक है। इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना वो हमें फेस आ रहे हैं, तो यही इशू आ रहा है इसको कि ये ऑटो वर्क कर रहा है, ऑटो ही जो है ना चल रहा है, ऑटो चीज़ें इसकी डिलीट हो जाती हैं, ऑटो ही जो है ना ये चीज़ें इसकी ओपन हो रही हैं, ऑटो जो है ना सर्कल इसका जो है ना वो इधर उधर हो रहा है। तो इसको वेरीफाई करेंगे आज कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बाहर तो ये माउस का जो सर्कल है वो घूम रहा है, तो लग ऐसे रहा है कि माउस का जो पैड है ये वाला, ये पैड शार्ट है, तो लेकिन कई दफ़ा जो है ना वो ऑटो राइटिंग भी स्टार्ट हो जाती है, तो उससे वजह ये होता है कि कीबोर्ड भी इसका शायद हो सकता है शार्ट हो। तो चलें चेक करते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है। तो इसको शट डाउन कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो शट डाउन भी नहीं हो रही है, तो इसको डायरेक्ट बंद करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाह, ये बंद हो गया। अभी जो है ना इसको ओपन कर लेंगे, ये बैक स्क्रू लगे हुए हैं इसकी, स्क्रू ओपन करके तो इसकी बैक जो है ना ओपन कर लेंगे कंप्लीट। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह ये स्क्रीन ओपन हो गए हैं इसके, तो अभी ये इसका बैक जो कवर है डी कवर, इसको ओपन कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये इसकी फिटिंग होती है, ये फिटिंग आपने ओपन कर लेनी है। तो ये आ गया हमारे सामने इसका मदरबोर्ड, तो ये इसके कीबोर्ड की जो है ना स्ट्रिप है, और ये इसके माउस की स्ट्रिप है। तो पहले तो हम करेंगे इसका माउस जो है ना वो डिस्कनेक्ट, क्योंकि माउस जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, इसका सर्कल जो है ना वो ऑटो घूम रहा है। तो बिस्मिल्लाह, ये माउस की जो है ना स्ट्रिप हम करेंगे उतार लेंगे। ये चीज़, ये माउस की स्ट्रिप उतर गई है, तो अब इसको टर्निंग ऑन करके तो वेरीफाई करते हैं ज़रा। जी बिस्मिल्लाह, ये ऑन किया है इसको, तो उसी तरह सेम कंडीशन है इसकी। तो अब इसका जो कीबोर्ड का जो स्ट्रिप है वो उतारेंगे, ये चेक किया आपने, ये माउस की स्ट्रिप उतरी हुई है, अब ये कीबोर्ड की जो स्ट्रिप है ये उतारेंगे और इसको वेरीफाई कर लेंगे। जी बिस्मिल्लाह, ये कीबोर्ड जो है ना उतारा है इसका स्ट्रिप, इसके कीबोर्ड की माउस की स्ट्रिप भी उतार दिया, तो अब ये डिसेबल हो गया कीबोर्ड भी और ये पैड भी, लेकिन फिर भी उसी तरह सेम कंडीशन आ रही है इसकी, चेक करें। तो ये इसका जो टच है ना, ये टच शार्ट हो गया बस इसका, और ये टच जो है ना अब इसका ये स्क्रीन के अंदर है, ठीक है। तो ये स्क्रीन जो है ना इसको ओपन करके तो फिर इसकी जो है ना टच की जो स्ट्रिप है वो डिसेबल करी की जाएगी। तो फिलहाल जो प्रॉब्लम सॉल्व हुई है वो ये हुई है कि इसका जो टच है ये ख़राब है, उसको टच जो है ना बाबा डिसेबल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।